देखो तो बदियार से निकल रहे हैं अटा पर सामने बैठे बहने रहा ऐसे लग रहे और आया जरूरी है भले खुशी हो रही है हंसी आ रही है लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप जब योग करोगे ना एकाग्रता में ही सफलता मिलती है। अगर मैं योग लगाने के लिए बैठा हूं अच्छा लाइट भी है बड़ा अच्छा लाइट लगाया पंखा कब लाए अच्छा नहीं लाल लाइट है इसीलिए नहीं कहा गया है बुद्धि कहां कहां चल जाती है। लेकिन हम थोड़ी सी ट्रेनिंग लेंगे कि कुछ भी हो जाए मन तो कहेगा आदत पड़ी होगी ना देख 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 नहीं नहीं देखना हो सकता है फिर से ना नहीं देखना ओके। तो हम सभी फरिश्ते बनने वाले हैं क्या बनने वाले हैं क्या बनने वाले हैं फरिश्ते बनने वाले। बाबा ने इस बार की मुरली में कहा आपके चेहरे से दूसरों को अनुभव होना चाहिए चेहरे से सुना सभी मुरली अपने तुम्हारी बाबा जब आए थे कितनी बार बार इशारा दिया कि आपकी चेहरे से सेवा होगी और मेरे चेहरे में तो बहुत सेवा करने वाली चलेगा बताएं कहाँ जा रहे हो भाई साहब कहाँ जा रहे हो मैं जा रहा हूँ आश्रम में मुरली सुनने के लिए किसकी भगवान सुनते हो क्योंकि हम भी जा रहे हैं मंदिर में हम भी दुखी में तुम भी दुखी सो जाए तो बता आपकी चेहरे से सेवा की चेहरा कैसे होना चाहिए बिगाड़ा किसने नहीं नहीं वो तो समाज ने बिगाड़ा परिस्थिति देख देख के बिगाड़ा मैंने थोड़ी बिगाड़ा अपने चेहरे को समाज ने बिगाड़ा विकारों ने बिगाड़ा या मैंने खुद बिगाड़ा तो सुधारेगा कौन मुरझाया हुआ चेहरा अभी राजस्थान में कई जगह पर ऐसी घटना घटती है जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो माताएं सब इकट्ठा ग्रुप बना के निकलते भाई कोई शरीर छोड़ा तो जाना चाहिए ना हाँ जी तो बोलो तो सब ग्रुप बना के निकलते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए और बाहर निकले और कैसे हो तुम्हारे घर में क्या चल रहा है सब तो ठीक ठाक हंसी खुशी से जाते हैं लेकिन जैसे उनके घर में आ जाते हैं पहुंचने वाले हैं दो मिनट बाकी है चेहरा को कैसे बनाया अभी ऐसा था पहुंच गए अभी उसके बाद जैसे एंट्री करते हैं पड़ा हुआ है क्या सब अच्छा कैसे हुआ ये सब कैसे हुआ दो मिनट एक्टिंग ज्यादा नहीं है दो मिनट एक्टिंग किया देख टाइम हो गया चलो बाहर सुना कल मेरे बेटे का जन्मदिन है आना था ठीक दो मिनट की प्रैक्टिस हम बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्रेशन के साथ करते हैं आ जाना सभी नहीं हमें करना पड़ता है क्रिएट को दुख को वो किसी ने मैं दिल्ली में गया था अभी भट्टी थी दो महीना पहले दिसंबर में थी भट्टी तो एक भाई ने आया बड़ा मुस्करा के बोला भाई साहब मैं भी गाना सिखाऊं मैं गा के सुनाता हूं मैं करता हूं वो जैसे गाया ना अब सोचो सचो का पढ़ने लगे इतना दर्द पैदा किया हमें दर्द पैदा करना या खुशी पैदा करना दुनिया भर ने कह दिया दर्द पैदा करो अगर गाना गाना है तो जरूरी है क्या सत्य में जाकर दर्द पैदा करेंगे ये संस्कार हमारे में तो भाई ने इतना चेहरा बिगाड़ बिगाड़ के गाया गा तो बहुत अच्छा रहा लेकिन ऐसा लग रहा था अभी रोना शुरू कर मैंने कहा भैया एक मिनट रुको थोड़ा उसको मुस्कुरा के गा अच्छा गा रहा अल्लाह करके गा रहा था तो बोला हाँ फिर मुस्कुरा के गा और अच्छा लग रहा तो हमने 2500 साल से दुख को क्रिएट किया है हाँ या ना दुख भरिए एक्शन किया है अंग अंग में दुख का एक्शन से आत्मा पतित बनी है ये बड़े ध्यान से सुन लो अंग अंग से पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक ठीक है अच्छा अंग अंग से सिर के बालों से लेकर बड़े ध्यान से देखो जरूरी है अंग अंग से सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक हमने जो भी नेगेटिव एक्शन किया आत्मा में पतित का संस्कार पड़ गया है पतित का संस्कार अब उसको परिवर्तन कौन करेगा नहीं नहीं बाबा कर देगा नहीं नहीं बाबा कर देगा